जहाँ पर जाइटेक्स को बहुत सारे आम लोगों ने विजिट किया, खास लोगों में विजिट किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी इसे विजिट कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिकेशन शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर कड़ियावाला से लेकर गुजरात तक का सफ़र आपने सिर्फ जाइटेक्स के लिए किया? यकीनन, और ये गुजरात के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मकाम भी है कि ऐसे माहौल में, एक ऐसे समाज में जहाँ आप गेट टुगेदर्स और मिलने जुलने के इम्कान कम होते चले जा रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात में लोगों को ये मौका फराहम करती है। ये एक मालूमाती, एक तफरीही और एक कारोबारी समाज के फ़रोग के लिए बहुत बड़ी कलेक्टिव एफर्ट है जिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो खराज तहसिन की मुस्तहक। सर यहाँ पर हमने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कुछ स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आने वाला हर मेहमान उनकी तारीफ कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के रिप्रेजेंटेटिव होने की ऐसी जैसे क्या तासुरात हैं आप? देखिए, यूनिवर्सिटियाँ बुनियादी तौर पर किसी भी सकाफत में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत कलीदी रोल प्ले करती हैं, और एक जो कल्चरल और कॉन्शियस एवोल्यूशन है उसमें यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों का इस तरह बढ़ चढ़ आगे आना और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, अपने रवैये, अपने बिहेवियर से लोगों को मुतासर करना, यकीनन एक इदारे की, एक समाजी तरक्की में एक अपने किरदार की बहुत अच्छी मिसाल है। और तालिब इल्म एक इदारे के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, एक पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता इदारे के नुमाइंदगी के तौर पर जो किरदार अदा कर रहे हैं, उससे सोसाइटी में ये पैगाम ज़रूर जाता है कि अगर हम सोसाइटी में तबकाती तफरीक को किसी भी मानों में ख़त्म करें तो फिर सही मानों में एक पुख्ता, एक पायदार, सस्टेनेबल इकोनॉमी के साथ साथ सस्टेनेबल सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। और ऐसी ही पायदार इस्तेकाम की हमल समाजी तरक्की के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है। सर हमारा कल्चर ऐसा है कि बच्चे जो हैं वालदैन से कहते हैं कि हमें कुछ लेना है, हमें साथ लेके जाइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, ये बच्चे आपको लेके आए हैं या आप बच्चों को लेके आए हैं? नहीं, मुझे ये बच्चे मेरे साथ खास तौर पे लेके आए हैं, और मैं इनको इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पर गुजरात का जो इंडस्ट्रियल फेस है उसको अपने बच्चों को दिखाने का मौका मिलेगा। और मेरा गुजरात जो अपनी मुख्तलिफ छोटी स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से अपनी शोहरत रखता है दुनिया भर में, मैं शायद फैन इंडस्ट्रीज़ का विजिट इनको नहीं करवा सकता, मैं बयावकत इन्हें फर्नीचर इंडस्ट्री के सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखा सकता, मैं यहाँ की मार्केट इकोनॉमी के जो मुख्तलिफ सिम्टम्स सेगमेंट्स हैं वो दिखा, तो एक प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने बच्चों को दिखाना है, मिलाना है, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव है इस लिहाज से, और मेरे बच्चों की तरबियत, तालीम और उनके तबकाती शऊर में इजाफे के लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुशी है कि इसके लिए मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि मैं आज यहाँ पे विजिट करूँ। और आज जो कि फैमिली डे भी है तो फैमिली के साथ विजिट करने का मकसद भी ये था कि ऐसी जो तकरीबात हैं, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम समाजी तौर पर उसके साथ हैं और उसके फ़रोग में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। सर आपके साथ बच्चे भी हैं, हम बच्चों के साथ भी यकीनन बात करना चाहेंगे। आपने विजिट कर लिया है या अभी आपको अंदर जाना है? अंदर जाना है। अंदर जाना है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आप जी। और आपका नाम क्या है? अरीन फातिमा। उधर देखें आप, उधर अरीन फातिमा। अरीन फातिमा, आप बाबा के साथ आए हैं या आप बाबा को लेके आए या बाबा आपको लेके आए? मैं बाबा। अच्छा, आप बाबा को लेके आए, आप क्या खरीदेंगी आज? चले खैर, ये बहुत कुछ खरीदना चाहती हैं। सर हमारे साथ रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।